बहुत से लोगों के साथ अनशन पर हूँ। सिटिंग ऑन माय 12th डे ऑफ क्लाइमेट फास्ट टुडे। टुडे इज द बिगिनिंग ऑफ माय 21st डे ऑफ क्लाइमेट फास्ट। सौ लोग यहाँ पर रात को भी रुकेंगे इस कड़कती ठंड में, जहाँ -10 से -15 के बीच तापमान रहता है। सिक्स शेड्यूल का जो संरक्षण है वो लद्दाख को किसी बाहर या और प्रदेश के लोगों से ही नहीं, बल्कि जो लद्दाख में संवेदनशील जगह हैं, जो या तो पर्यावरण के दृष्टि से संवेदनशील हैं या संवेदनशील संस्कृतियां हैं जनजातीय, उनको तो सबसे बचाने की जरूरत है। सिक्स शेड्यूल ऐसी सुविधाएं देता है कि हरेक जनजाति और उनके परिवेश को बचाया जाए, लद्दाख के ही लोगों से भी। मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि लद्दाख को लद्दाख के लोगों से भी बचाने की जरूरत। उद्योग की बात आए, यहाँ पर ऐसे जगह भी हैं जहाँ कोई संवेदनशीलता नहीं है, वहाँ पर हम इकोनॉमिक जोन्स बना सकते हैं जिसमें कि हर कोई उद्योग लगाए, कॉमर्स चलाए, देश से बल्कि दुनिया से निवेश हो, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। अभी यहाँ बाहर -15 के करीब तापमान है और ग्लेशियर्स के साथ सॉलिडेरिटी में हम अनशन बाहर ही कर रहे हैं। किस दिन क्यों रखा गया है ये? क्योंकि गांधी जी ने जो अपनी सबसे लंबी अनशन की वो 21 ही दिन का था, और वो 1943 में था, क्विट इंडिया मूवमेंट में। ये ऑप्शन भी है कि उसको दुगना करके और 21 दिन से भी बढ़ाऊं अगर ज़रूरत पड़े तो। जब आपने लद्दाख को यूटी घोषित किया तो इस पर्वतीय प्रदेश, इस संवेदनशील पर्वतीय प्रदेश के संरक्षण के लिए जब 370 नहीं रहा तो आपने लद्दाख के लोगों को भरोसा दिलाया। आपके सरकार के मंत्रियों ने, नेताओं ने यहाँ आकर दिल्ली से बार बार हमें आश्वासन दिया कि लद्दाख को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा। चुनाव में इस तरह के मैनिफेस्टो घोषणा पत्र के जरिए भी दिया, ये मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूँगा।